से भव सागर रु पारी करती कृपा और सानिध्य किए बा न चाहे जगतर नाथ जगन्नाथ को देखा समस्ते व्याकु भक्त मनर भाव को बुझी थाए से भाव विनोदिया ब्राह्म मुहूर्तर ब्रह्म ठाकुर केवे रथरे तो केवे से पथरे विचित्र लीलामय ठाकुर ब्रह्मांडर नाथ जगन्नाथ किंतु तांको दर्शन करिबा एबे भक्तंकु मना एथिपाई करोनो साजिचि बाधक महामारी पाई गमनागमन कटकणा जोगु भक्त निज आराध्य ठाकुरंकु पाखकु जाई पारुनी चक्का आखिर दर्शन पाई व्याकुल भक्त काही केते दूररु पुरी को जाउथवा बळे एबे भक्तंकु चलापथरे उभा होईचंती स्वयं जगन्नाथ कथाटा आश्चर्य लागिले भी सत सुवर्णपुर जिले में एभली आश्चर्यजनक घटना देखा मिली आमे कहूँ घोड़ाघाट पड़ार सुरेशचंद्र महापात्र कथा प्रतिदिन भली सुरेश भोर रु उठी सांग मर्निंग वाक बाहरी समय महानदी पोल हठात आखि पड़ा तीन ठाकुर प्रतिमूर्ति प्रथम से विश्वास कर इच्छामय इच्छा अति आनंद प्रतिमूर्ति को घर नहीं आसी एहाकु देखि तांको धर्मपत्नी ज्योत्स्नामयी महापात्र प्रथमे आश्चर्य होइगले परे उभय दारु ब्रह्मक अमृत स्नान करी पूजार्चना करिथिले सबुटु बड़ कथा हेउचि श्रावणर प्रथम सोमवार ब्राह्म मुहूर्तरे घटिथिबा एही दिव्य संजोगकु देखि उभय भाव विहळ होइजैथिले। आजि मणिगुआकु जेतरे बाहरलि माने समुद्र भळा ठीक बाहर थे आज भी ठीक बाहरलि मैंने ब्रिज पाखा तक आम हो ब्रिज पाखे देख ली जे एंत तीन टा मूर्ति रखाहीचे आर लोक मैंने जास कर समस्ते कई कार के किसी नजर नहीं किसी नहीं हठात बार गोटे नजर पड़ा से मूर्ति मान पाक महाप्रभु थुआईन के कई किसी ना नहीं सब आड़े देख ली कहीं ना पचपटे गोटे भी जरीमुणीटे थुआईचे मुझे तीन मूर्ति को भितर रख ली रख सारापर समस्त सागर कथबार्ता हलु आणिकी सागे सागे घर पहुँचला गंगा जल स्नान कर पूजा पाठ कर समस्ते घर मान एंटायर फैमिली पु बहु नाती विशेष समस्ते बहुत खुशी जे एंता गोटे जिनस आज हाँ बोल किए आशा नहीं कर जीवन रहा मोर गोटे मैं गोटे अभला स्मृति रहीगला जे एंता जिनस गुड़ाक बेले बेले हुए बोल जेवन घर के भगवान आसबे सेटा केनता लागसी तो कही ना भी पहला तापर एतकी खुशी मते लागला जे मुझ भाली कि भगवान मुई भल भाव बोध सेवा करी से भगवान आशीर्वाद बोध मोर उपरे पड़ला से बोध भगवान आम घर के आसीचन मोर सेवा पाइबान किंतु सेटा जो आसले भगवान मुझे जहाँ भगवान आम पाखे आसीचन आम जहाँ यथाशक्ति जहाँ पाइमा से अनुसार से आम पूजा करमा बोल कि भावली आका सका आज ये बड़े खुशी खबरटे देकर मोर हजबैंड आसिक जिते बड़े थुईदे मुझे गोटे जिनस तुमको दौचे बोल से बहुत बहुत खुशी लगला कहले कि मुई गछ आ भगवान बहुत प्रिय मुई सब से गंगा जल नैवेद्य पत्र दे कि भगवान पूजा कली पोछापोछि करके महाप्रभु को धूप दीप दे कि पूजा कली आ बहुत खुशी लगला। श्रीक्षेत्र को यात्रा और महाप्रभु को रत्न सिंहासन दर्शन करार सब बाट ए बंद रही तेणु लक्ष लक्ष भक्त एवं निराश तथापि किसी भक्त सबु प्रतिबंधक को पछरे पकाई छुट्टी आसुचंती पूरी बड़ दंड को प्रभु देखा नदेले नाही तांको पतित पावन मूर्ति आउ नेतकु तो देखी हबो एमिते जणे भक्त हेउचंती कृपाल सिंह यादव जी की दर्शन पाई व्याकुल होई मध्यम प्रदेश रु चली चली आसुचंती श्रीक्षेत्र को जगन्नाथों दर्शन निमंते दृढ़ संकल्प नहीं बाहरी पूरी धाम को मध्यप्रदेश अशोकनगर जिला तमासा गाँव रु पादरे चली चली आसुचंती कृपाल कृपाल सिंह सुवर्णपुर जिला पारी हो सारे से सोनपुर ब्लॉक छक पहुंचा बेले निष्ठा और भक्ति को देखि स्थानीय स्वेच्छासेवी मैंने भव्य संवर्धना जनईले सूचना मिली जे से गत 5 तारीख रु निज गाँव रु पूरी अभिमुखे बाहरी मोट 1400 किलोमीटर पदयात्रा करार लक्ष्य रखिंट कृपाल सिंह यादव विश्वर मंगल कामना सहित सारा दुनिया को कोरोना दाउरो मुक्ति देबा पाई श्रीजीव को निकटरे प्रार्थना करिवे बोली कहिसेंती एही अनन्य भक्त। जय जगन्नाथ स्वामी की जय। जगन्नाथ स्वामी, मैं ग्राम तमासा रहता हूँ और जिला अशोकनगर थाना पिपराई
और भगवान के दर्शनों के लिए मेरी आत्मा में भारी प्रेरणा थी कि भगवान के चरणों को दर्शन पैदल यात्रा करके करूं। जय जगन्नाथ स्वामी। मेरी आत्मा में अकेले खुशी से राजी वृद्धि से खुशी से भगवान के चरणों को दर्शन करना है, पैदल यात्रा। अटल विश्वास, जगतपति स्वामी है, जगन्नाथ स्वामी है। सतरे ए लीलामयंक लीला बा बुझिबो कि केतेबेले भक्त पाखरे पहुँचि जाउचंती तो आउ केतेबेले भक्त को निज पाखकु टाणी आणुचंती। सुवर्णपुर रु शेषदेव बारिंग रिपोर्ट, के न्यूज ओडिशा।